हरदोई में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां दो नाबालिग बहनों ने अपने पिता पर रेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों बहनों की शिकायत पर आरोपी पिता के खिलाफ बलात्कार और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बिजनौर में एक MBBS डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है। आरोप लगाने वाले माँ बाप ने बताया कि निजी अस्पताल के डॉक्टर ने इलाज के दौरान नवजात बच्ची के पैर में इंजेक्शन की निडिल छोड़ दी। वहीं आरोपी डॉक्टर ने आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया। फिलहाल DM ने मामले की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं। बागपत में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घर से लापता युवक का शव गांव के बाहर खेत में पड़ा मिला। युवक के शरीर पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस अज्ञात हत्यारों की तलाश में जुटी है। प्रतापगढ़ में मामूली विवाद में दो गुटों में जमकर फायरिंग हुई। कोतवाली क्षेत्र में एक दर्जन हथियारबंद लोगों ने युवक के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और युवक और उसके दोस्त को गोली मारकर घायल कर दिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को जिला अस्पताल में लाया गया, जहां से इलाहाबाद के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। फरुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में वाटर कूलर से पानी भरते वक्त करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई। बताया गया है कि मृतक कोतवाली के बाहर सड़क पर फेरी लगाकर कपड़े बेचता था और कोतवाली के अंदर लगे वाटर कूलर से पानी भरने गया था। बरेली में पुलिस की शर्मनाक हरकत सामने आई है। जब एक शिक्षिका ने अपनी आबरू लूटने से सिपाही को मना कर दिया तो सिपाही ने महिला को वेश्या बताने वाले पोस्टर पूरे इलाके में लगवा दिए। पीड़ित महिला ने IG से न्याय की गुहार लगाई तो IG के आदेश पर इज्जत नगर थाने में सिपाही पर मुकदमा दर्ज हो गया है। कन्नौज के छिवरामऊ में सपा विधायक के समर्थकों ने बूथ प्रभारी सम्मेलन में लंच के पैकेट ले रहे बच्चों की पिटाई कर दी। बच्चे खाने के पैकेटों से भरी ट्रैक्टर ट्राली के पीछे पीछे दौड़ते रहे तो वहीं कुछ लोग इन बच्चों को पीटते दिखे, जिससे कई बच्चे गिरकर चोटिल भी हो गए। अपने रोड शो के दौरान फैजाबाद पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बच्चों से मिले। इसके बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचे और कमला नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद राहुल का काफिला अम्बेडकर नगर मार्ग पर पूरा बाजार पहुंचा और यहां पर उन्होंने किसानों का हालचाल लिया। राधाष्टमी के मौके पर वृंदावन में वन महाराज कॉलेज में 155वां संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास संगीत और नृत्य महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर कांग्रेसी नेता प्रदीप माथुर और राज्यसभा सदस्य CP ठाकुर ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही स्वामी हरिदास को श्रद्धांजलि दी गई। दो दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश के नामचीन कलाकार कला का प्रदर्शन करेंगे।